हेलो एवरीवन। सो अपने डिफरेंशिएशन के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएट करने के मेथड्स कौन कौन से होते, लाइक मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के हमने पांचों पार्ट्स पढ़ लिए थे। नाउ चैप्टर का लास्ट पार्ट देखते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। सपोज करो आपके पास एक डिटरमिनेंट है, वेदर इट्स 2 by 2, 3 by 3, जो भी होगा आपके पास। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन पहली बात तो तब होगा जब उसके अंदर फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। लाइक एक सिंपल सा मैं आपको डिटरमिनेंट लिख के बोलता हूँ। सपोज करो डेल्टा एक्स इज अ डिटरमिनेंट, दिस एक्स डिनोट्स के डेल्टा एक्स इज अ वेरिएबल। नाउ डिटरमिनेंट इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स, f3 ऑफ एक्स। मैं बेसिकली 3x3 का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझना भी आसान हो जाएगा अपने पास और जितने भी केसेस है वो सब यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। g3 ऑफ एक्स एंड h1 ऑफ एक्स, h2 ऑफ एक्स, h3 ऑफ x। कहने का मतलब क्या है ये समझना। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन मैं तब कर पाऊंगा जब उसमें क्या होगा, वेरिएबल। सपोज करो इन वेरिएबल में कुछ कांस्टेंट लिखे होंगे तो क्या होगा, इस पूरे को सॉल्व करने पे एक कांस्टेंट आंसर मिलेगा, मतलब डेल्टा x क्या आ जाता, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। बट सपोज करो अंदर कांस्टेंट नहीं लिखे हुए हैं, एक्स के फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया है कि फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने 9 फंक्शन लिखे हुए यहाँ पे, f1 से f3, g1 से g3, h1 से h3। बट सभी का जो करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल है वो क्या लिखा है मैंने, x, मतलब सारे फंक्शन अपने x के फॉर्म में। ऑब्वियसली जब इस पूरे डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे बाय अप्लाइंग एनी रूल जो भी आप लॉजिक यूज करते डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, तो क्या होगा, आपको x में एक फंक्शन फाइनल मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा x, और ना उस डेल्टा x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो हुआ नॉर्मल टेक्निक कि आपने क्या किया, इसको पूरा ओपन किया, पूरा सॉल्व किया, लेंथी सा कैलकुलेशन आया और फिर आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। इसी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, देखना कैसे। जब आपको किसी भी डिटरमिनेंट को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना हो तो उसका एक लॉ होता है। द लॉजिक इज कि हम लोग एट अ टाइम किसी भी एक रो या एक कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं कर रहा हूं अलोंग द रो, सो पहले मैं फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब मैं इसको लिखूंगा f1 ऑफ x, नेक्स्ट इज f2 ऑफ x, नेक्स्ट इज f3 ऑफ x। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट रो थी उसके सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी पूरे दोनों रोज एज इट इज इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये फंक्शन एज इट इज आएंगे, g1, g2, g3, नेक्स्ट इज h1, h2 एंड h3, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट आएगा। अब मैंने क्या किया था, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, नाउ अब मैं सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा कीपिंग फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, फर्स्ट टू थर्ड पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फर्स्ट रो दिखेगा मुझे f1x, f2x, f3x। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड के सारे एलिमेंट डिफरेंशिएट हो जाएंगे, सो g' या g1' ऑफ x, नेक्स्ट इज g2' ऑफ x, नेक्स्ट इज g3' ऑफ x, नेक्स्ट इज ये सब एज इट इज अपने पास, h1x, h2x, h3x, ये हो गया अपना। नाउ द लास्ट पार्ट, अगेन फर्स्ट रो को किया, सेकेंड रो को किया, अब क्या करेंगे थर्ड रो को। सो फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज, मतलब f1x, f2x, f3x, सेकेंड भी एज इट इज, g1x, g2x, g3x एंड नाउ अब मैं थर्ड रो के सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो दिस वुड बी h1' x, h2' x, h3' x, ठीक है। ये जो तीन डिटरमिनेंट का फाइनल आंसर मिलेगा वही मेरा होगा इसका डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे सर लेंथी लग रहा है देखने में, तो बल्कि और को इसको एक को सॉल्व करना, अब यहाँ पे तीन को सॉल्व करना होता था। सो इट क्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना कि इट इज नॉट ऑल नेसेसरी कि सारे एलिमेंट ही वेरिएबल हो, लाइक मैंने यहाँ पे आपको 9 फंक्शन दिखा रखे हैं, बट जरूरी नहीं कि 9 के 9 फंक्शन हो सकता है इसमें से कोई 3 ही फंक्शन हो, बाकी सब कॉन्स्टेंट हो। लाइक बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आता है, आगे एग्जाम्पल में देखेंगे भी, कि अपने पास जो फंक्शन या वेरिएबल होता है वो सिर्फ फर्स्ट स्टार्टिंग की फर्स्ट रो में ही, बाकी दोनों में क्या है, कॉन्स्टेंट। तो उस केस में क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ही वाला पार्ट तो मिलेगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जब सेकेंड रो पूरा कॉन्स्टेंट है तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम अगर थर्ड रो कॉन्स्टेंट है तो उसके एलिमेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो, दैट मींस ये दोनों पार्ट जीरो आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग रो प्रॉपर्टी, और बाय यूजिंग इसी को हम कॉलम से भी कर सकते थे। अगर मैं इसको कॉलम से करता तो क्या होता, पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज।
फिर सेकेंड कॉलम का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज एंड थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज. सो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में किस फॉर्म का अपने को यूज है. लाइक अगर वही तीन फंक्शन फर्स्ट कॉलम में लिखे होंगे तो मैं कॉलम को डिफरेंशिएट करूंगा एंड बाकी दोनों को एज इट इज रखूंगा अपने पास. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस पार्ट. एक कंडीशन दिया अपने को कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 इन एक्स बेसिकली एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिटरमिनेंट दे रखा है व्हिच इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज ऑफ एक्स एंड सो ऑन. इस टाइप का फंक्शन दे रखा है मुझे एफ डैश एक्स पे कमेंट करना है कैपिटल एफ डैश एक्स पे बेसिकली. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जैसे हम लोगों ने सीखा है अभी मैं एफ डैश एक्स का वैल्यू लिख देता हूँ. ठीक है कैसे करते थे रो वाइज करना है कॉलम वाइज का सपोज अगेन रो वाइज ही बेटर रहेगा. फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया एफ डैश एक्स नेक्स्ट एलिमेंट इज जी डैश एक्स नेक्स्ट एलिमेंट इज एच डैश एक्स बाकी सब कुछ एज इट इज. सेकेंड रो डायरेक्टली आएगा सेम एच डैश एंड थर्ड रो भी सेम एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश. ये तो हुआ अपना फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे. सो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स. सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश जी डबल डैश एक्स एच डबल डैश एक्स. थर्ड रो एज इट इज विच इज एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स एंड एच डबल डैश एक्स. ये आएगा अपने पास. नाउ अब वापिस से यहां पे थर्ड रो का डिफरेंशिएशन अब फर्स्ट और सेकेंड रहेंगे एज इट इज. सो फर्स्ट क्या हो गया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स. नेक्स्ट इज एफ डैश जी डैश और एच डैश. नाउ लास्ट में वापिस डिफरेंशिएशन तो ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा डबल की जगह एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश एंड एच ट्रिपल डैश एक्स. ये बनेगा अपना फाइनल कंक्लूजन बेस्ड अप आफ्टर द डिफरेंशिएशन. अब इसमें समझना मैं पहले फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ. फर्स्ट पार्ट में क्या कैसे रो वन और रो टू दोनों सेम हो गए. किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो सेम तो उसका आंसर क्या हो जाता है जीरो. नेक्स्ट पार्ट इसमें रो टू और रो थ्री सेम हो गए इसका भी आंसर क्या हो गया जीरो. अब थर्ड पार्ट पे कमेंट कैसे करेंगे सो इसको समझना. इस पार्ट के लिए मैं जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उस कंडीशन को यूज करता हूँ. क्वेश्चन में मुझे बोला गया था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऑफ डिग्री टू. ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कहीं ना कहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म के हैं. लेट अस से मैंने एफ ऑफ एक्स को ऐसा बोल दिया. इनफैक्ट तीनों ही इसी फॉर्म के बट ठीक है मैंने एफ ऑफ एक्स का ज़ूम किया. अब ऐसे में एक चीज समझना जब मैं इसमें एफ डैश निकालूंगा ठीक है सो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा ये आएगा मेरे पास टू ए एक्स प्लस बी. ये तो हुआ एफ डैश एक्स. जब हम लोग इसमें एफ डबल डैश निकालेंगे तो अब ये कितना आ जाएगा दिस बिकम्स टू ए ओनली. एंड जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया मतलब एफ ट्रिपल डैश निकाला तो अब ये हो जाएगा जीरो. कहने का मतलब ये था जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है आप उतनी बार डिफरेंशिएट करो तो आंसर मिलेगा पर अगर उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो. यही हुआ डिग्री था टू मैंने कितनी बार डिफरेंशिएट किया तीन बार. सो टू तक तो इट वॉज फाइन बट जैसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया आंसर क्या बन गया अपने पास जीरो. दैट मीन्स क्या अगेन से इसके जो तीनों एलिमेंट है क्या होने वाले जीरो. अगर इसके तीनों एलिमेंट जीरो एक डिटर्मिनेंट का अगर कंप्लीट हो जीरो मतलब उसका आंसर भी क्या हो जाता है जीरो. फाइनली आई कैन से इस केस में एफ डैश ऑफ एक्स इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो. ध्यान रखो सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आना भी मस्ट है बिकॉज फाइनल आंसर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे आया. डिफरेंशिएशन ने अपने को सिर्फ इतना हेल्प किया कि क्वेश्चन को तीन पार्ट में ब्रेक कर लिया जिनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करना ईजी था. अब आपको सोचो अगर आपको ये टेक्निक यूज नहीं करना होता और आप इसको डायरेक्टली ओपन करते तो कितना लेंदी पार्ट आता वहां भी आंसर जीरो बनता बट बहुत कुछ आपको उस कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना पड़ता है फाइनली जाके आंसर जीरो होता आपके पास. तो इसीलिए यहां पर अपना डायरेक्ट आंसर क्या बन चुका है जीरो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर बोलता कि एफ ऑफ एक्स अगेन डिटरमिनेंट है विद द वैल्यूज ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स एंड सो ऑन वी नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स. ठीक है एफ डबल डैश एक्स पे कमेंट करने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं एफ डैश बिकॉज वो सॉल्व होगा तभी तो हम एफ डबल डैश पे कमेंट कर पाएंगे. नाउ एफ डैश एक्स अब पहले मैं इसका वैल्यू डिफाइन करता हूँ. सो अगेन वही वन बाय वन चलते हैं. पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो ए का तो जीरो और एक्स का हो गया वन यहाँ पे भी वन और यहाँ पे भी वन बाकी सब रो एज इट इज पी प्लस एक्स
क्यू प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, एल प्लस एक्स, एम प्लस एक्स एंड एन प्लस एक्स। ये बनेगा अपना फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड रो वन बन जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज रहेगा। सो ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, वन वन वन। यहां हो जाएगा अपने पास एल प्लस एक्स, एम प्लस एक्स, एन प्लस एक्स, प्लस लास्ट में अपने पास वापस से फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, विच इज पी प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, और यहां पे हो जाएगा अपने पास वन। नाउ अब एक चीज समझना है यहां पे, स्पेशली यहां पे क्या है अपने पास, जब मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो अब मैं हर एक की सॉल्व नहीं कर रहा, बिकॉज हर एक की इसके लिए मुझे तीन तीन डिटरमिनेंट पार्ट करना पड़ेंगे, विच मेक्स दिस अस नाइन डिटरमिनेंट, लेंथी हो जाएगा। बट उसी को एक डायरेक्ट टेक्निक से सॉल्व करते देखना कैसे। पहले इस पार्ट को डिस्कस करता हूं, इसको करना है डिफरेंशिएट। इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन मतलब ये क्या बन जाएंगे, जीरो। और अगर एक डिटरमिनेंट के सारे वैल्यू जीरो हो गए, मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो जीरो होने वाला है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट रो एज इट इज, अब मैं सेकंड रो को डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैं सेकंड रो को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां बनेगा वन, बिकॉज पी का जीरो, एक्स का वन, यहां वन, यहां वन, और ये एज इट इज। अब उस केस में क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज बन गए, तो दोनों सेम, जिसका मतलब उसका भी आंसर क्या हो गया अपने पास, जीरो। सेम वे में जब थर्ड पार्ट को ऑब्जर्व करूंगा, थर्ड पार्ट मतलब फर्स्ट रो भी एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज एंड थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, अगेन वन, इसका भी वन, इसका भी वन। अब फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम हो गए, मतलब इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, जीरो। इसी तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक का आंसर जीरो ही बनने वाला है, बिकॉज हर एक में पैटर्न सेम चल रहा है अपने पास। एक रो में वन वन है, बाकी दो रो में एक्स के फंक्शन है, तो डायरेक्टली आई कैन से इसकी इसके लिए भी मेरा एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या बनने वाला है, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अगेन सिंप्लीफाई हमने कैसे किया, मैंने एक बार तो सॉल्व किया, बट सेकंड टाइम को डायरेक्टली कमेंट कर लिया। और इसका हैबिट डालो, बिकॉज डायरेक्टली आपको देखना आना चाहिए कि जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो नॉन डिटरमिनेंट लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको ओरली कमेंट कर सकते हो कि जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके, कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम तो आंसर जीरो, या फिर एक कंप्लीट रो एक कंप्लीट कॉलम जीरो बन गया तो भी आंसर जीरो। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, यू कैन से द लास्ट पार्ट, इट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। नाउ अब तक जो हमने डिफरेंशिएट किया था वो हम लोगों ने वन टाइम डिफरेंशिएट किया, लाइक एक फंक्शन दिया होता था एफ ऑफ एक्स या फिर वाई, और हम लोग निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मुझे उसको और भी फर्दर डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो उसको और फर्दर डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, या फिर एफ डैश एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, उन सब चीजों को हमको ऑब्जर्व करना है। लाइक सिंपल सा, अब तक हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म का होता था, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई को हम करते थे डिफरेंशिएट तो मुझे क्या मिलता था, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाता था, एफ डैश एक्स। सबसे पहले तो आएगा फर्दर नोटेशन कि इसको किस किस फॉर्म में लिखते हैं, तो समझना अगर मैं इस डी वाई बाई डी एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। बी केयरफुल विद द टर्म, डी टू वाई बाई डी टू एक्स नहीं है, इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू। द रीजन बींग, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई dx, so इसीलिए it is d2y by dx2, not d2y by d2x, ठीक है? ये तो हुआ इसका second order differentiation, इसी का third order किया तो क्या हो जाएगा, d3y by dx3, same up to nth order किया तो क्या हो जाएगा, dny by dxn, इसी को अगर मैं f के form में लिखूं तो क्या I can write, ये हो गया f double dash x, इसको मैं क्या बोल दूंगा, f triple dash x and so on, f n times, ये हो गया अपने पास n times of dash x. So basically कुछ नहीं है, अब तक हम लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट किया था, उसको फर्दर भी करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक बार करना तो आसान होता है डिफरेंशिएट, बट मल्टीपल टाइम में इशू आता है, तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। लेट अस से एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको बोला है y का वैल्यू है x क्यूब प्लस 3x प्लस 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y by dx2, ठीक है, d2y by dx2 की वैल्यू क्या होगी। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करके dy by dx फाइंड आउट कर लेंगे,
डिवाइड बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस बिकम्स 3x² + 3, और ये कॉन्स्टेंट था तो जीरो हो गया। नाउ एक बार और डिफरेंशिएट करना है बिकॉज हमको d2y/dx2 चाहिए, सो यहां आ जाएगा अपने पास d2y/dx2, दिस शुड बी इक्वल टू 3x² का डिफरेंशिएशन मतलब 6x। आई थिंक नया कुछ भी नहीं था, सब कुछ सेम है, सिर्फ जो डिफरेंशिएशन हम लोग एक बार कर रहे थे अब उसी को मल्टीपल टाइम्स कर रहे थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज y दिया है अपने को log of log x, यहां भी सेम चीज पूछी गई है, बताओ d2y/dx2 क्या होगा, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसका वैल्यू अपने पास क्या आने वाला है। नाउ अगेन पहले सिंगल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, विच इज dy/dx कितना आ जाएगा, log का डिफरेंशिएशन, सो 1/log x इंटू यहां पे log x का इट इज 1/x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या अप्लाई किया है, चेन रूल टू गेट द वैल्यू ऑफ dy/dx विच इज log का डिफरेंशिएशन, तो अंदर की वैल्यू 1/x और यहां पे log का 1/x बेसिकली। नाउ अब जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हमको केयरफुल रहना है, इसी पार्ट को मैं कैसा लिखूंगा समझना, dy/dx इज इक्वल टू x log x^-1। अब मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट फर्दर, सो यहां पे कैसा मिलेगा d2y/dx2, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/x log x^2। समझना कैसे, पहले मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया तो -1 आ गया है, अभी पावर क्या हो जाएगा -2। नाउ पावर के बाद अंदर को डिफरेंशिएट करेंगे, सो यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, इसी को आई कैन राइट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विच इज 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1। सो फाइनली मुझे यहां से वैल्यू मिलेगा d2y/dx2, इसका वैल्यू आ जाएगा -1/log x/(x)(log x)^2, ये आना चाहिए अपना फाइनल वैल्यू फॉर d2y/dx2। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं है, नो डाउट एक केस में कॉम्प्लिकेशन आएगा विच इज पैरामेट्रिक्स को हम देखेंगे इस केस में, बट बाकी सारे केस में हमको क्या करना है, जो चीज हमने एक बार की थी लाइक डिफरेंशिएट एक बार करते आए थे उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है खाली, और ऐसे केस में क्वेश्चन डायरेक्टली d2y/dx2 पर नहीं बनते, ऐसे केस में क्वेश्चन बनते हैं बेस्ड अपॉन द इक्वेशन। सो वो देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू। ओके इसी पार्ट में एक काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप के बनते हैं जहां पे आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है, यहां पे दिया y = a(e)(2x) + b(e)(3x) एंड वी हैव टू प्रूव कि ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, कुछ नहीं, इस इक्वेशन के अंदर d2y/dx2 भी आ रहा है और इसी इक्वेशन के अंदर dy/dx भी आ रहा है, दोनों का वैल्यू निकाल के इक्वेशन को अरेंज करेंगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। y दिया है अपने को a(e)(2x) + b(e)(3x) नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे dy/dx तो ये कितना आ जाएगा, सो dy/dx शुड बी इक्वल टू, ये a तो कॉन्स्टेंट है, e^2x तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2a(e)^2x, इस केस में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3b(e)^3x, ये हो गया अपने पास dy/dx। नाउ साथ में ही d2y/dx2 भी सॉल्व कर लेते हैं, d2y/dx2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब ये एक और 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये लिखेगा 4a(e)^2x और एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 9b(e)^3x। अब मैं इक्वेशन को क्रॉस चेक करता हूं, मुझे प्रूफ करना था कि d2y/dx2 - 5 times of this + 6 times of y d2y/dx2, ये क्या है 4a(e)^2x हमने अभी सॉल्व किया प्लस 9b(e)^3x माइनस 5 टाइम्स ऑफ dy/dx, कितना आया dy/dx, इट इज 2a(e)^2x, नेक्स्ट इज प्लस 3b(e)^3x, नेक्स्ट इज प्लस 6y, सो प्लस 6 टाइम्स ऑफ y मतलब 6a(e)^2x + 6b(e)^3x, इसका वैल्यू इक्वल टू है 0, ये हमको प्रूफ करना है। सिंपली ऑब्जर्व करो, सिर्फ टर्म्स को मैं ऑब्जर्व करता हूं, सबसे पहले वो टर्म जहां पे e^2x है, e^2x, तो यहां पे कितना है 4a और यहां पे है -10a, मतलब कितना बचेगा 4a - 10 मतलब -6 है, -6 है + 6 है, ये तो हो जाएगा 0,
तो e टू द पावर 2x के सारे टर्म आपस में कैंसिल हो गए. नेक्स्ट इज e टू द पावर 3x, 9b, 9b एंड माइनस 15b, तो कितना आ जाएगा, माइनस 6b आ जाएगा, माइनस 6b प्लस 6b, तो e टू द पावर 3x भी कैंसिल. मतलब फाइनली क्या होगा, कुछ बचा ही नहीं, अपना आंसर से लेके आ जाएगा जीरो. सो इस पार्ट का अपना आंसर रहेगा बेसिकली जीरो, वही हमको प्रूव करना था. सो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको बहुत सारे दिखते हैं जहां पे हमको इक्वेशन में d2y by dx2 का वैल्यू एज वेल एज dy by dx का वैल्यू, दोनों वैल्यूज को यूज करना होता है. सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं. अगेन y इक्वल टू दे रखा है अपने को tan inverse x. अगर y इक्वल टू tan inverse x है, सो इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, dy by dx, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ये तो हो गया डिवाइड बाई डी एक्स. नाउ इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स टू. सो अब क्या हो जाएगा, जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू सॉल्व किया तो अब यहां अप्लाई होगा चेन रूल. ये बनना चाहिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2 विद अ नेगेटिव साइन. ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा इसको समझने का ट्राई करना. सबसे पहले मैंने dy by dx को लिख दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस 1. वापिस सेम रूल, सबसे पहले पावर रूल लगाया तो नेगेटिव आगे आया और नीचे का पावर कितना हो गया, प्लस 2. नेक्स्ट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विच इज 2x. ठीक है, अब इसको अरेंज करना स्टार्ट करते हैं. अरेंज करने के लिए यहां पे क्या करता हूं समझना, मैं इस पूरे टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं. सो फाइनली क्या दिखेगा मेरे पास, ये दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसमें से एक को ही मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक ही चाहिए ना क्वेश्चन में. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स d2y by dx2 is equal to minus 2x upon 1 plus x square. दो थे, एक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ ये जो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस 2x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना था, दिस वॉज dy by dx. इस पूरे टर्म को यहां शिफ्ट कर लू. सो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स d2y by dx2 plus 2x dy by dx is equal to 0. ये आएगा अपना फाइनल आंसर. जो हमको प्रूफ करना था वही पार्ट बेसिकली. ओके, वैसे तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का टिपिकल होता नहीं, आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, बट इसका एक टाइप का क्वेश्चन जहां मिस्टेक होने का स्कोप रहता है, विच इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन. अब देखना कि इसमें मिस्टेक क्यों होता है, इसका कैसे इसको ध्यान रखना है अपने को. पैरामेट्रिक का अप्रोच क्या होता है ना, कि यहाँ पे मतलब इस केस में और बाकी सब केसेस में आपने dy by dx तो निकाला था, पर उसके आगे डिफरेंशिएट नहीं किया था. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का वैल्यू दे रखा है 83, y का वैल्यू दे रखा है 280. सो वी नो कि हाउ टू फाइंड dy by dx, तो पहले उस स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं. पैरामीटर t है, a कांस्टेंट, तो हम लोग क्या करते थे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. dx by dt कितना बनेगा, dA t स्क्वायर. सिमिलरली dy by dt ये कितना बन जाएगा, 2a. नाउ इन दोनों को डिवाइड करके आई कैन राइट dy by dx दिस अपॉन दिस, तो ये कितना आ जाएगा, 2a अपॉन 3a t स्क्वायर. मतलब फाइनली आपको मिलेगा 2 by 3 t स्क्वायर. नाउ अब यहां से आती है प्रॉब्लम, d2y by dx को a, dy by dx को ये रहा. अब मुझे यहां से निकालना है अपने पास d2y by dx2. ठीक है, यहां तो d2y by dx2 बन जाएगा वन टाइम डिफरेंशिएट करने पे, यहां क्या होगा, तो ऐसे टर्म को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखना इंपॉर्टेंट है. मैं लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, d2y by dx2. मतलब मैंने dy by dx या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो राइट साइड भी सेम होगा, d by dx ऑफ क्या बचा था अपने पास, 2 by 3 t स्क्वायर, ये बनेगा अपना राइट साइड. ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम ये है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट और t के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. सो हमने सीखा है वैसे करते कैसे हैं, बट यहां पे मैं आपको एक हिंट और देता हूं, इसी के लिए एक काम करते हैं, इसमें dt का मल्टीप्लाई और dt का डिवाइड ये कर सकते हैं. अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूं देखना, d2y by dx2 equals to, मैं इसको लिखता हूं d by dt of 2 by 3 t square प्लस एक dt अपॉन में आ गया, तो यहां पे क्या बच, सॉरी प्लस नहीं, इनटू dt by dx. सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में था, मैं dt को यहां लाया, dx को यहां ले गया, उसका रीजन है अपने पास.
अभी क्या बन गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 बाय 3 टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज वेरी मच पॉसिबल. ये बना है dt बाय dx जिसका वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, dx बाय dt है तो यहाँ dt बाय dx बन जाएगा. तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को वैसा लिखूंगा, d2y by dx2 equal to differentiation of 2 by 3t square. ठीक है, 2 by 3 तो constant है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे. अब 1 upon t square, इसका differentiation होगा minus 2 by t cube into dt upon dx. अपने पास dx upon dt था, dx upon dt था 3a t square, तो dt upon dx आ जाएगा 1 upon 3a t square. अब इसको simplify कर लेते हैं, so ये क्या मिलेगा, d2y by dx equal to minus 4 upon 9, 2 into 2, 3 into 3, a और t cube into t to the power 2. So, ये हो जाएगा अपने पास 1 by t to the power 5. So, final answer अपने को मिला है minus 4 upon 9a t raised to power 5. ये बना d2y by dx2. हमसे क्या पूछा गया था, d2y by dx2 at t equals to 2. So, कुछ नहीं, इसी क्वेश्चन में t की जगह 2 पुट कर देंगे. So, finally मुझे आंसर क्या मिलेगा, d2y by dx2 at t equals to 2 is equals to, यहां आ जाएगा अपने पास minus 4 upon 9 into a into 2 to the power 5. 2 to the power 5 is 32. So, finally कुछ ऐसा बनेगा minus 1 upon 72a. ये होगा अपना final answer. ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करते हो, एक चीज और अप्लाई करते हो, इसको बोलते हैं इसका अप्रोच और भी हो सकता है, जो मिस्टेक होता है बेसिकली. आप बोलते हो सर आपने क्या किया, dx by dt निकाला, dy by dt निकाला, दोनों को डिवाइड करके क्या बनाया, dy by dx, एंड देन क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया. अगर हम लोग इन्हीं को दो बार डिफरेंशिएट कर ले और डिवाइड कर ले, ठीक है, तो देखना उसमें डिफरेंस क्या आता है. सपोज आपने इसको वापस डिफरेंशिएट किया, अब इसको करने को क्या बनेगा डिफरेंशिएट, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो यहां बनेगा d2x by dt2, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या बनेगा, d2y by अगेन dt2, ठीक है. अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो बताए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा d2y by d2x, जो हमको नहीं चाहिए था. मैंने आपको इसलिए बताया था स्टार्ट में कि ध्यान रखो, यू ऑलवेज नीड d2y by dx2. x के रिस्पेक्ट में y का ट्वाइस डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज वहां पे लिखा है d2y by d2x किसके रिस्पेक्ट में है पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हुआ ये कि वहां पे t के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन हुआ था, बट दोनों पे t रिमूव हो गए, तो अब जो चीज बची है ये और ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है. तो हमेशा ध्यान रखो, इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन जब आपको मल्टीपल डिफरेंशिएशन करना हो, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना हो, तो पहले क्या निकाल लोगे, dy by dx, देन उसी इक्वेशन को दोनों साइड वापस से डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल आपको चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, एंड देन ऐसे प्रोसेस के थ्रू अरेंज करके उसमें हम वापस से वैल्यू पुट करके वैल्यू उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. ओके, उस टाइप का सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं. x अपने को दिया है sin थीटा, y इज sin क्यूब थीटा, वी नीड टू फाइंड d2y / dx2 at थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म है. सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इनिशियली हम लोग फाइंड आउट करेंगे dx / d थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सो साइन का डिफरेंशिएशन तो ये बन जाएगा cos थीटा. सिमिलरली यहां हम फाइंड आउट कर लेंगे dy / d थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा. सो यहां से अपना आ जाएगा इजीली dy / dx / dividing these two expression. सो यहां से अपने को मिलेगा dy / dx is equal to 3 sin स्क्वायर थीटा into cos theta, the whole divided by cos theta. Now, further इसको हमको differentiate करना है, ठीक है? पर पहले simplify कर लेते हैं. So, यहाँ से मुझे मिल रहा है dy by dx is equal to 3 times of sin square theta. Now, अब इसको करेंगे further differentiate. So, differentiating both the sides with respect to x, left hand side में क्या बन जाएगा? d2y by dx2, right side will become 3 sin square theta. So, 3 sin square theta का differentiation मतलब कितना हो जाएगा? 6, no. यहाँ पे directly differentiate में करते हुए, पहले तो मैं लिखूंगा d by dx of 3 sin square theta. ठीक है? अब हमने approach क्या सीखा था?
हमने आपको देखा था कि यहाँ पे x है और डिफरेंशिएट मुझे या फंक्शन थीटा है और डिफरेंशिएट में किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d थीटा से मल्टीप्लाई और d थीटा से डिवाइड करेंगे, जिससे अपना क्वेश्चन थोड़ा इजी फॉर्म में अरेंज होगा। और अब इसी चीज को आई कैन राइट डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ थ्री साइन स्क्वायर थीटा दी होल मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई dx, ये बनेगा अपना फंक्शन, जिससे होगा ये कि अब ये फंक्शन डायरेक्टली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है एंड d थीटा बाय dx जो वैल्यू है दैट आई कैन फाइंड आउट थ्रू दिस फंक्शन। ठीक है, नाउ यहां से मुझे वैल्यू मिलेगा d2y by dx2 is equal to differentiation of 3 sin squared theta, it is nothing but 6 sin theta into cos theta multiplied by d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx का मतलब हो गया अपने पास 1 by cos theta, because मेरे पास dx by d theta है cos theta, तो इसका reciprocal that means 1 by cos theta, so यहां से अपने पास cos से cos cancel, finally मुझे answer मिलेगा कि d2y by dx2 इसका value कितना है, it is equal to 6 sin theta, हमसे पूछा गया था d2y by dx2 at theta equals to pi by 2, so यहां मैं लिखूंगा d2y by dx2 at थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इसका वैल्यू आ जाएगा 6 साइन पाई बाई टू, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, तो ये अपना रहेगा फाइनल आंसर। अगेन पैरामेट्रिक था बट पैरामेट्रिक के लिए हमने लॉजिक क्या हुआ चेंज किया, dy by dx निकालने के बाद मैंने अगेन दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ओनली एंड इन बिटवीन क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए जो भी मुझे रिक्वायर्ड था, जैसे इस केस में रिक्वायर्ड था d थीटा, सो मैंने d थीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्वेश्चन अपने आप अरेंज हो गया। ओके, नाउ हम लोगों ने पैरामेट्रिक देख लिया, तो अब एक एग्जांपल लॉगरिथमिक का भी देख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू दिया है x टू द पावर x, वी नीड टू फाइंड d2y by dx2 at x equals to 1, स्टार्टिंग के स्टेप को सेम चलेंगे कहां तक, अप टू dy by dx, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग log both the side, तो क्या बनेगा log y equals to x times of log x, नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 by y dy by dx equals to x as it is log x का differentiation 1 by x plus log x as it is x का differentiation, तो 1 हो गया, so यहां से I can write dy by dx is equal to x times of 1 plus log x, ये बनेगा अपना final value। now मुझे इसको further differentiate करना है, तो मैं y को वापस से लिख दूंगा dy by dx is equal to x to the power x into 1 plus log x। now जब एक बार और differentiate करेंगे तो left hand side में क्या बन जाएगा, this becomes d2y by dx2 and right side जो होगा यहां पे मैं apply करता हूं product rule by assuming this as first term this as second term, so x raised to power x as it is differentiation of 1 plus log x, ये कितना हो जाएगा, so 1 का तो 0 and log x का 1 upon x plus 1 plus log x into differentiation of x to the power x, अब इसको समझना मैं क्या लिखता हूं, क्या इसी को मैं लिख दूं dy by dx, because यही तो हुआ x to the power x मतलब क्या था, y था, तो differentiation of x to the power x मतलब dy by dx हो गया, और dy by dx का value already solve कर चुके हैं, तो इसी value को उठाकर वहां put कर दूंगा, finally कैसा दिखेगा समझना, d2y by dx2 equal to x raised to power x upon x plus 1 plus log x the whole multiplied by dy by dx की value, so जिससे expression क्या बन जाएगा 1 plus log x का whole square times y and y का value is again x to the power x, so यहां पे I can simply write x to the power x from this expression, now अब मुझे क्या करना था d2y by dx2 निकालना था at x equals to 1, so इसी part को use कर लेते हैं d2y by dx2 at x equal to 1, so ये कितना आ जाएगा, this becomes 1 upon 1 plus 1 plus log 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब finally 1 आएगा into 1, so इसका answer मुझे मिलेगा that is nothing but equals to 2, so again logic में कोई changes नहीं था, सिर्फ क्या था dy by dx निकाला by taking log, next step directly हो गया, वहां पे log का requirement नहीं लगा, इनफैक्ट था बट मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, क्यों, बिकॉज वहां पे x टू द पावर x का ही डिफरेंशिएशन बना था, विच इज नथिंग बट dy by dx, जिसका वैल्यू हमने डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से यूज कर लिया।
ओके, इसी के अंदर एक लास्ट टाइप और देखेंगे, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ किया था वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, वैसे ही अब यहाँ आएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो लिखा हुआ है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉन एक्स, इसका मतलब क्या है। जैसे हम लिखते थे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मैं बोलूंगा इसका मतलब था सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉन एक्स, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, डी टू ई रेज टू एक्स बाय डी ऑफ लॉन एक्स डी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कुछ अलग में मत लेना, यही सेम चीज लिखी हुई है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टू ई रेज टू एक्स बाय डी ऑफ लॉन एक्स स्क्वायर। पहले इसको समझना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अब मैं इसको आई कंक्लूजन देने वाला हूं। मैं इसी चीज को लिखूंगा फाइनली d बाय डी ऑफ लॉन एक्स होल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉन एक्स। इन दोनों का मीनिंग सेम है, आप बोलोगे कैसे, तो समझना डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्या हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू को लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तब जिसको सेकेंड ऑर्डर बोलते थे, सेकेंड डेरिवेटिव बोलते थे, मैंने उसी फॉर्म में तो अरेंज किया। देखो जरा डी बाई डी एक्स टू, तो बाहर डी बाई डी एक्स आता था, मतलब डी बाई डी ऑफ लॉन एक्स, अंदर क्या आएगा डी ऑफ ई रेज टू एक्स बाई डी ऑफ लॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, देखना कैसे, ये पार्ट को रखता हूँ एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डी बाई डी ऑफ लॉन एक्स, जो अंदर का पार्ट है क्या इसी को मैं लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब मैंने किया क्या, ऊपर और नीचे dx से डिवाइड कर दिया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स ये बन जाएगा 1 बाय एक्स। तो फाइनली क्वेश्चन कैसा दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा मुझे डी बाय डी ऑफ लॉन एक्स इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा ई रेज टू एक्स और अपॉन में 1 बाय एक्स, मतलब फाइनली ये एक्सप्रेशन बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टाइम्स ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉन एक्स, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने टेक्निक यूज किया था पैरामेट्रिक में, वही सेम टेक्निक यहां पे यूज करेंगे, क्या इसी चीज को आई कैन राइट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी ऑफ लॉन एक्स। मैंने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डी एक्स को इसके अपॉन में लाया और लॉन एक्स और डी एक्स को ऐसा अरेंज कर दिया। क्यों, उसका रीजन है, अब मेरे पास ये जो टर्म है मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा, इसको सेपरेटली सॉल्व करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन रूल फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस यहां आ जाएगा अपने पास सेकेंड फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन होल अपॉन, ये जो टर्म लिखा है डी एक्स अपॉन डी ऑफ लॉन एक्स, इसी डी एक्स को उठा के अपॉन में भी लिख सकता हूं बिकॉज वन बाय फंक्शन बन जाएगा, तो ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स जिसका वैल्यू कितना होता है 1 बाय एक्स। तो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इनटू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अगेन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली समझना, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का मीनिंग समझा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या बनता था, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉन एक्स इज डी टू ऑफ ई रेज टू एक्स बाय डी ऑफ लॉन एक्स टू द पावर टू, ठीक है, या लॉन एक्स ऑफ स्क्वायर। So, इसी को हम क्या लिख सकते थे d by dx of ln x of d of e raised to x by d of ln x, इसको सॉल्व करना हमको आता था, दोनों को dx से डिवाइड किया सिंप्लीफाई कर लिया एंड जब सिंप्लीफाई होकर टर्म बन गया तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर इस d ln x को अलग किया अपॉन में dx का dx से मल्टीप्लाई जिससे दो टर्म इंडिविजुअली इजिली अपने से सॉल्व हो गई। सो इस पार्ट को भी ध्यान रखो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, इसके पहले हमने क्या देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव जो आसान था, ये थोड़ा सा टिपिकल है बट अगेन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ लॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। अगेन पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली समझने के लिए मैं स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करता हूं, दिस शुड बी डी टू ऑफ लॉन एक्स बाय डी ऑफ साइन एक्स टू, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आई कैन राइट
डी बाई डी ऑफ साइन एक्स ऑफ, यहां क्या आ जाएगा, डी लॉन एक्स बाय डी साइन एक्स, ये बनेगा अपना पार्ट। सो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसमें सॉल्व करना आसान हो जाए। नाउ इसी पार्ट को हम लोग क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे आउटर मोस्ट टर्म तो फिलहाल एज इट इज, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। जो अंदर की टर्म्स लिख रहे हैं इसको आई कैन राइट डी लॉन एक्स बाई डी एक्स होल अपॉन डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, ये बनना चाहिए अपना पार्ट। सो हमने क्या किया, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को dx से डिवाइड किया बिकॉज वो सॉल्व करना पॉसिबल था। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन x ये बन जाएगा 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x ये बन जाएगा cos x। तो क्वेश्चन क्या दिखेगा फाइनली, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा d by dx या d by d sin x ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन x तो 1 by x, तो ये बनेगा 1 by x टाइम्स ऑफ cos x, ये बना अपने पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप में वापस हुई जो हमने पैरामेट्रिक में यूज किया था, थोड़ा सा इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि क्वेश्चन x के फॉर्म में आ जाए। सो मैं इस साइन x की जगह पे यहाँ पे dx लिख रहा हूँ और 1 by x cos x into यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे dx upon d of sin x, बिकॉज अब दोनों पार्ट को मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ क्या अप्लाई होगा, सो इसी पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x cos x टू दी पावर माइनस वन, ये आना चाहिए इंटू अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इस टाइप से बनेगा अपने पास dx को अपॉन बनेगा। नाउ हर एक पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x cos x की पावर माइनस वन, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन x cos x का होल स्क्वायर, बेसिकली पावर आगे आई माइनस वन और ये पावर क्या बन जाएगा माइनस टू, which makes this power is 2. Next is x cos x का अपने पास differentiation. So x times cos x का differentiation is minus sin x plus cos x into sin x का differentiation, right? Cos x as it is into x का differentiation is 1. Next is differentiation of sin x. तो into ये आ जाएगा अपने पास 1 upon cos x. तो यहाँ से अपने को final answer मिलेगा. सभी terms को arrange कर लेते हैं. So finally कैसा दिखेगा? Cos x so 1 का मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स x sin x माइनस cos x the whole divided by cos x of x times cos x the whole square, ये बना अपना फाइनल आंसर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू sin x। तो विद दिस पार्ट हम लोगों ने जितने भी केसेस थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के वो सब कंप्लीट कर लिए, एंड विद दिस पार्ट आई कैन से जो अपना डेरिवेटिव चैप्टर्स था That is like, जिसमें MOD एक पार्ट आता है बस खाली, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, साथ में हमने क्या देखा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का पार्ट, ये दोनों पार्ट अपने कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट विच इज लिमिट।